सायाहपुर में डग्गामार वाहनों से लगातार हो रही मौतों के बाद भी योगी सरकार के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। हाल ही में हुए सड़क हादसों में हुई मौतों के बावजूद भी जिले में डग्गामार वाहन क्षमता से अधिक सवारियां भरकर सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं और लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। खास बात यह है कि पुलिस और परिवहन विभाग की सरपरस्ती में मौत के इन दूतों को रोकने वाला कोई नहीं है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी अब जल्द ही डग्गामार वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। सायाहपुर जिले के तमाम मार्गों पर 1000 से ज्यादा डग्गामार वाहन सवारियों को ढोने का काम कर रहे हैं, जो परिवहन विभाग को भी चूना लगा रहे हैं। परिवहन विभाग सवारी जीप में 7 सवारी, ऑटो में 3 सवारी, टेम्पो में 5 और मैजिक में 7 सवारी बैठाने का परमिट ही जारी करता है। लेकिन पुलिस और परिवहन विभाग की सरपरस्ती में डग्गामार वाहन 20 से 25 सवारियों को ठूस कर भूसे की तरह भरते हैं। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में ये सवारियों को बाहर तक लटका देते हैं। इन डग्गामार वाहनों को ना ही किसी का खौफ है और ना ही सवारियों की जान की परवाह। यही वजह है कि सायाहपुर में 1 साल पहले नेशनल हाईवे 24 पर हुए हादसे में 17 लोगों की जान गई थी और कल हुई दुर्घटना में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं पिछले 1 महीने में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे सहित अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और दर्जनों लोग घायल भी हो चुके हैं। NH24 पर जमुका के पास 1 साल पहले हुए हादसे में इसी तरह से डग्गामार वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। तेज रफ्तार से दौड़ रहे इन डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यही वजह है कि इन डग्गामार वाहनों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन पर ना ही पुलिस पाबंदी लगा पा रही है और ना ही परिवहन विभाग की नींद टूट पा रही है। शायद सरकारी महकमा किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। मोटरसाइकिल वाले जो चलते हैं वो उनके चालान ज्यादा कट रहे हैं और ये बात सही है आपकी, और डग्गामार पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कारण ये है कि शासन प्रशासन दोनों इसके जिम्मेदार हैं और दोनों की सह मिलती है तभी डग्गामार वाहन लगातार चल रहे हैं और जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं किया जा रहा है। पुलिस रोज हम देखते हैं कि पुलिस डग्गामारी वाहन पर आगे बैठ कर शाहजहाँपुर बरेली के लिए जाती है। क्या उसे नहीं मालूम कि हम डग्गामारी पे अलीगढ़ गाड़ी पे बैठे हुए हैं? क्या उसको अपनी जान की चिंता नहीं है? लेकिन क्यों, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका महीना बंधा हुआ। पुलिस अधीक्षक महोदय खुद ही इस चीज़ संज्ञान में नहीं लेते हैं, RTO खुद ही ये संज्ञान में लेता। अधिकारी जब संज्ञान में कोई चीज़ नहीं लेगा, अधिकारी संज्ञान में क्यों ले जब उसके पास मोटा रुपया पहुंच जाता है टाइम से। हालांकि पुलिस के आला अफसर इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि पुलिस त्योहारों में व्यस्त है, लेकिन त्योहारों के बाद डग्गामार वाहनों के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक बड़े एक्सीडेंट में मैं भी मौके पर आया था, जहाँ आप लोग मिले थे, बहुत जाने गई थी, और इसको समय समय पर RTO के साथ, परिवहन विभाग के साथ मिलकर पुलिस इस तरह के अभियान चलाती है। एक बार फिर अभी तक आप जानते होंगे पिछले 4 महीने से कानून व्यवस्था की कुछ अजीब सी स्थिति थी जिसमें पुलिस फंसी हुई थी, और अब थोड़ा सा खाली वक्त मिला है। अगला चैलेंज हमारे पास शिवरात्रि और होली का है। इस बीच में डग्गामार वाहनों या ऐसे वाहन जिनसे एक्सीडेंट होने की संभावना है, यात्रियों को कष्ट हो सकता है, इनके विरुद्ध अभियान चलाएंगे। कुछ थोड़ी सी दिक्कत रोड इंजीनियरिंग की भी है, उसके बारे में भी रोड सेफ्टी की मीटिंग हर 3rd महीने कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में होती है। वहाँ इस तरह के स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है और उसकी रोड इंजीनियरिंग को सही करने के लिए संबंधित को निर्देश भी जारी हुए हैं। एक अच्छी बात यह है कि शाहजहाँपुर सीतापुर जो ये राजमार्ग है, जो बहुत दिनों से बहुत ही ख़राब हालत में है, ऐसा मुझे बताया गया है कि इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसका बनना अब शायद निकट भविष्य में जल्दी ही शुरू हो जाएगा। फिलहाल यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर डग्गामार वाहनों से हुए हादसों के बाद भी पुलिस और प्रशासन की नींद क्यों नहीं टूटी? अगर समय रहते पुलिस ऐसे डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाए तो शायद कई जानों को बचाया जा सकता है, लेकिन यहां चंद पैसों के लालच में इंसानी जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है।